बेसिकली सोलर सिस्टम जो है वो दो टाइप्स के आते हैं, एक सिस्टम होता है उसको आप ऑन ग्रिड सॉल्यूशन कहते हैं और एक सिस्टम जो होता है उसको आप हाइब्रिड सॉल्यूशन कहते हैं। सोलर पावर जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स का एक ऐसा जरिया है जिससे आप एनर्जी कैपिटलाइज कर सकते हैं और एक नेवर एंडिंग रिसोर्स है। अगर आप किसी फॉसिल फ्यूल पे, अगर आप पानी पे भी डिपेंड करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तो वो एक रिजर्वायर जो है जो कभी ना कभी एंड हो जाएगा। बट सोलर एक ऐसी चीज़ है जो बाय द एक्ट ऑफ द गॉड ये है कि हम लोग को सनलाइट रेडिली अवेलेबल होती है थ्रू आउट द ईयर। तो सोलर पावर एक ऐसी है जिससे आप कॉन्स्टेंट सप्लाई ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी की विदाउट एनी डिलेज एंड विदाउट एनी हैसल। अभी जो हमारा मॉडल चल रहा है पाकिस्तान में सोलर का, वो ये मॉडल है कि हम लोग बिजली बना के ग्रिड को सप्लाई कर रहे होते हैं, बेसिकली ग्रिड की जो कैपेसिटी है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। सोलर की बेसिकली दो सर्विस पर्पजेज सर्व कर रहा है सोलर। एक तो पर्पज़ ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को वो बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, और दूसरा जो सोलर का पर्पज़ होता है वो ये होता है कि वो आपका जो लोड शेडिंग है उसको कैटर कर रहा होता है। क्लाइंट के पास जाते हैं, उसका पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल व्यू करते हैं, एंड आफ्टर व्यूइंग हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल हम उसमें से निकालते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कितने किलोवाट का सिस्टम हमने उसको सजेस्ट करना है। हम क्लाइंट से ये पूछते हैं कि सर उनका पर्पज़ क्या है सोलर लगाने का। अगर कोई क्लाइंट ये कहता है कि माय पर्पज़ इज़ जस्ट के आई वांट माय बिल टू बी ज़ीरो, तो हम फिर उसको उस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करके देते हैं। अगर कोई क्लाइंट हमें ये कहता है कि आई वांट टू कि मैं लोड शेडिंग में मेरी कैटर हो साथ, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी बिल भी ज़ीरो हो जाए, तो फिर हम उसको दूसरे टाइप का सिस्टम डिज़ाइन करके देते हैं। आम शहरी को बहुत सारा फायदा होता है सोलर से, ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके आपको यूटिलिटी के बिल्स जो होते हैं वो लिटरली आपके सरप्लस एनर्जी जो अगर प्रोड्यूस हो रही होगी तो आपके बिल्स जो हैं वो बिल्कुल नेगेटिव में चले जाएंगे। जो लोअर मिडिल क्लास है उनको ख़ास तौर पे ये लगाना चाहिए, क्योंकि इससे होता ये है कि जो एनर्जी है वो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो हमारी नेशनल पावर ग्रिड है उसको एक किस्म का रिलीफ मिलता है, क्योंकि आपके जो पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, पैनल्स 550-575 वाट्स के एक पैनल होता है और इन्वर्टर होता है। जो सोलर पैनल होता है वो आपका डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, और जो इन्वर्टर है वो उसको अल्टरनेटिंग करंट एसी में कन्वर्ट करता है। सोलर जो है वो एक पूरी दुनिया इसकी तरफ जा रही है, क्योंकि जाहिर है एनर्जी के क्राइसिस सारी दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं। तो आपका इन हाउस अगर सोलर होगा तो एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और इसके बाद आपके जब यूटिलिटी बिल फ्री हो जाएंगे, जब आपको बिल नहीं देना होगा, तो एक दो सालों के अंदर आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उतने ही आप उसके अगेंस्ट आपका वो हो जाएगा।